Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions of SQL that can come in 2 marks. Now the first question is, consider the given SQL string. आपको SQL string दी गई है, write suitable SQL queries for the following. आपको SQL queries यहाँ पे लिखनी है. Return the position of the first occurrence of the substring the in the given string. आपको the substring की first position बतानी है. फाइन, तो यहाँ पे आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? यहाँ पे आप इंस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे. इंस्ट्रिंग फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ एनी सबस्ट्रिंग. मतलब ये मान लो द जो आपका सबस्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग के अंदर 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, लेकिन इंस्ट्रिंग फंक्शन क्या बताएगा? उसकी फर्स्ट अक्रेंस बताएगा कि फर्स्ट टाइम वो कहाँ आया है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर. फाइन, तो यहाँ पे आपने कमांड दिया सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, ओके, और आपने कंप्लीट स्ट्रिंग दे दी है और आपने जो भी सब स्ट्रिंग सर्च करनी है वो दे दी है. फाइन, ये दो पैरामीटर्स आप पास करोगे. तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा? जो सब स्ट्रिंग है द उसकी फर्स्ट पोजीशन ये डिस्प्ले करा देगा कि ये कहाँ पे, इसकी जो फर्स्ट पोजिशन है वो कहाँ पर है. फाइन, नाउ टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. आपको क्या करना है? स्ट्रिंग में से लास्ट 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है. तो लास्ट 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप राइट फंक्शन का यूज करोगे. राइट फंक्शन क्या करता है? राइट साइड से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है. फाइन, तो आपको क्या करना है? लास्ट के कैरेक्टर्स को करना है. ये राइट साइड है, ये क्या है? राइट साइड है. तो यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रिंग को पास कर दिया राइट फंक्शन में एंड आपने बता दिया कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है. हमें 5 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है. तो सेकेंड पैरामीटर क्या होगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट. फाइन, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल. एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं? ओके, नेम एनी टू. तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन को मल्टीपल रो फंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि एक साथ मल्टीपल रोज पे काम करते हैं. दीज फंक्शन वर्क ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. एग्रीगेट फंक्शन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पर वर्क करते हैं एज अ होल. ठीक है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को एक ग्रुप में कंबाइन करके वो वर्क करते हैं एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच कॉलम. और जो रिजल्ट आता है एग्रीगेट फंक्शन का वो सिंगल वैल्यू होता है हमेशा. ओके, और जो जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं राइट, वो उसमें उसके एग्जांपल लाइक मैक्स फंक्शन हो गया आपका, मिन फंक्शन हो गया, एवरेज, सम, काउंट, काउंट स्टार. तो ये फंक्शन कौन से हैं जो मल्टीपल रोज पर काम करते हैं? ओके, तो एग्रीगेट फंक्शंस कौन से हैं जो सेट ऑफ वैल्यूज पर काम करते हैं और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रश्मि अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिस्प्ले हाउस वाइज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रेड एंड येलो हाउस. रश्मि क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है. ओके, और वो क्या कर रही है? उसको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हाउस वाइज रेड के एंड येलो के. शी इज एनकाउंटरिंग एन एरर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्वेरी. लेकिन जब वो ये क्वेरी यूज कर रही है तो उसको क्या मिल रही है? कुछ एरर मिल रही है. फाइन, तो हमें हम देखनी है यहाँ पे सिलेक्ट हाउस कोमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस वेयर हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो. ओके, तो आपको क्या क्वेश्चन दिया है? हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द रीजन फॉर द एरर एंड राइट द करेक्ट क्वेरी बाय सजेस्टिंग द पॉसिबल करेक्शन. ओके, आपको एरर भी बतानी है और इसको करेक्ट करके भी लिखना है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है वेयर की. ओके, ग्रुप बाय के साथ. ग्रुप बाय के साथ क्या यूज होता है? हमेशा हैविंग क्लॉज यूज होता है. वेयर एक इंडिविजुअल रो पे वर्क करता है और हैविंग मल्टीपल रोज पे वर्क करता है. फाइन, तो यहाँ पे हम देखते हैं द प्रॉब्लम विद द गिवन एसक्यूएल क्वेरी इज दैट वेयर क्लॉज शुड नॉट बी यूज विद द ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमेशा हैविंग आता है, कभी भी वेयर नहीं आता है. ओके, टू करेक्ट द एरर हैविंग क्लॉज शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ वेयर. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? वेयर के प्लेस पर हैविंग क्लॉज का यूज करना है. सिंपल, सिलेक्ट हाउस काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, आपने हाउस को सिलेक्ट किया है और काउंट स्टार से क्या होगा? जितनी भी रोज है स्टूडेंट टेबल में वो आ जाएंगी. और ग्रुपिंग कर दी ग्रुप बाय हाउस हैविंग हाउस. और यहाँ पे ग्रुप बाय हाउस करके आपने हैविंग क्लॉज का यूज किया, हैविंग हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो. तो इस जो पर्टिकुलर कमांड में मिस्टेक थी वो वेयर की मिस्टेक थी कि ग्रुप बाय के साथ वेयर यूज किया गया था, हैविंग यूज नहीं किया गया था. फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of order by clause in SQL? Explain with the help of suitable example.
आपको बताना है कि ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या यूज है एसक्यूएल के अंदर. ओके, और एग्जांपल भी देना है. तो ऑर्डर बाय का क्या यूज है, द ऑर्डर बाय कमांड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से आप किसी भी कॉलम की वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. ओके, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डिस्प्लेस ऑल द कस्टमर्स नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर नेम दिया गया है, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स टेबल का नेम है, ऑर्डर बाय सी नेम. तो यहाँ पे कस्टमर्स के नेम के अकॉर्डिंग पूरी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया. असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो आपको DESC देना पड़ेगा. ऑर्डर बाय सी नेम DESC, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. तो यहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन. आपको सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन में डिफरेंस बताना है. सिंगल रो फंक्शन वर्क ऑन वन रो ओनली, वेयर एज मल्टीपल रो फंक्शन वर्क ऑन ग्रुप ऑफ रोज. सिंगल रो फंक्शन वन पर्टिकुलर रो पे वर्क करेंगे एंड मल्टीपल रो फंक्शन ग्रुप ऑफ रोज पर वर्क करते हैं. ओके, ग्रुप ऑफ रोज पर वर्क करते हैं, राइट. सिंगल रो के क्या एग्जाम्पल होंगे फंक्शंस के, लेंथ फंक्शन हो गया आपका, केस कन्वर्जन फंक्शन हो गया, जो एक सिंगल रो पे वर्क करेगा. ओके, एंड मल्टीपल रो फंक्शन के एग्जाम्पल क्या हो गए, जो ग्रुपिंग पे वर्क करेगा, लाइक एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन. तो ये क्या हो गए, मल्टीपल रो फंक्शंस हो गए. ओके, नाउ सेकंड, सिंगल रो फंक्शन रिटर्न वन आउटपुट पर रो. सिंगल रो फंक्शन क्या करता है, एक इंडिविजुअल रो का एक आउटपुट डिस्प्ले कराता है, एक रो का एक आउटपुट डिस्प्ले कराता है. वेयर एज मल्टीपल रो फंक्शन रिटर्न ओनली वन आउटपुट फॉर अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ रोज. लेकिन मल्टीपल रो फंक्शन क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ रोज का एक सिंगल आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं. ओके, तो सिंगल रो फंक्शन सिंगल रो पे वर्क करेगा, मल्टीपल रो फंक्शन मल्टीपल रो पे वर्क करेगा. सिंगल रो का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, लाइक लेंथ फंक्शन, केस कन्वर्जन फंक्शंस, राइट. एंड मल्टीपल रो का आपको पता है एग्रीगेट फंक्शन, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज. आपको डिफरेंस बताना है ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज में. ओके, When used along with the select statement, जब इन दोनों को select statement के साथ use किया जाता है, explain with an example. The order by clause is used to show the contents of a table relation in sorted manner. Order by clause से क्या करते हैं, हम एक particular order में table के content को arrange करते हैं. Ascending order में या descending order में हम table के content को arrange करते हैं. ओके, द कंटेंट ऑफ द कॉलम कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. और ग्रुप बाय क्या करता है, वो वैल्यूज की ग्रुपिंग करता है. द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज इन अ गिवन कॉलम. ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, रोज की ग्रुपिंग करता है एक पर्टिकुलर कॉलम में एंड देन अप्लाई एन एग्रीगेट फंक्शन. और ग्रुपिंग के बाद फर्स्ट आप क्या करोगे, ग्रुप बाय क्लॉज से आप ग्रुपिंग करोगे, राइट. टेबल के अंदर आप कॉलम्स की ग्रुपिंग करोगे, मतलब रोज की ग्रुपिंग करोगे, फाइन. जैसे मान लो एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम है, उसके अंदर जैसे क्लर्क दिया हुआ है यहाँ पे सी बना लो, फिर एनालिस्ट दिया हुआ ए, फिर अगेन क्लर्क दिया हुआ है सी. तो यहाँ पे क्या होगा, क्लर्क एंड क्लर्क की ग्रुपिंग हो जाएगी, क्लर्क एंड क्लर्क क्लर्क रो की ग्रुपिंग हो जाएगी, एनालिस्ट एनालिस्ट की ग्रुपिंग हो जाएगी, मान लो मैनेजर दिया हुआ है, मैनेजर मैनेजर की ग्रुपिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज से जो सेम वैल्यूज होंगी उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, फाइन. अब ग्रुपिंग के बाद क्या होगा, आप उन वैल्यूज पे, उन रोज पे एग्रीगेट फंक्शन से अप्लाई कर सकते हो, राइट. आप मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हो और अलग अलग फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, राइट. जैसे आपने क्या किया, क्लर्क को एक ग्रुप में ले लिया, फिर एनालिस्ट को एक ग्रुप में ले लिया, मैनेजर को एक ग्रुप में ले लिया. अब इनकी आपने जो सैलरी थी, राइट, अलग अलग आ गई, क्लर्क की अलग आ गई, मैनेजर की अलग आ गई और एनालिस्ट की अलग आ गई. तो आप उसके अंदर, क्लर्क के अंदर मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इस क्लर्क की मैक्सिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो, सम ऑफ सैलरी कर सकते हो, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर डेसिमल नंबर एक्स विद द वैल्यूज. यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, राइट. कमांड्स इन एसक्यूएल टू राउंड इट ऑफ टू अ होल नंबर. आपको इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है. होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड जो फ्रैक्शनल वैल्यू कंटेन नहीं करते, मतलब वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं.
ओके यहाँ पे आप राउंड फंक्शन का यूज करोगे, राउंड फंक्शन के अंदर आपने अपनी अपने नंबर को पास कर दिया है, राइट right? तो ये क्या करेगा, ये इसको जब आप कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं देते हो, आपने सिंपली नंबर पास किया बट प्लेस वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उस केस में इसको ये क्या करेगा, इसको एक नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 8460 में कन्वर्ट कर देगा, 8460 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राउंड इट टू टू प्लेसेस बिफोर द डेसिमल। अब आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले के जो वैल्यूज है राइट उनको टू प्लेसेस में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। मतलब यहाँ पे इस वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है, होल पार्ट की बात हो रही है। दिस पार्ट इज होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट को टू प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कमांड देनी है, तो आपने सिलेक्ट राउंड, राउंड के अंदर आपने नंबर पास कर दिया और आपको बिफोर द डेसिमल पॉइंट क्या करना है, प्लेस वैल्यू देनी है। तो बिफोर द जब डेसिमल आप प्लेस वैल्यू देते हो तो आप नेगेटिव में दोगे, -2 लिखोगे यहाँ पर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि राइट्स द फॉलोइंग कमांड्स विद रिस्पेक्ट टू अ टेबल एम्प्लॉय हैविंग फील्ड एम्प्लॉय नंबर नेम डिपार्टमेंट कमीशन, राइट। तो अंजनी ने क्या किया है, ये कमांड लिखी है एम्प्लॉय टेबल की, ओके, हैविंग जिसमें क्या है, फील्ड्स है एम्प्लॉय नंबर नेम डिपार्टमेंट कमीशन। फर्स्ट कमांड क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। उसने फर्स्ट कमांड की क्या दिया, काउंट स्टार। सेकंड क्या दिया, सिलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, कमीशन क्या है, कॉलम का नेम। शी गेट्स द आउटपुट एज 4 फॉर द फर्स्ट कमांड बट गेट्स आउटपुट एज 3 फॉर द सेकंड कमांड। अब उसे फर्स्ट कमांड का आउटपुट मिला है 4, मतलब 4 रिकॉर्ड्स, और सेकंड का मिला है 3, मतलब 3 रिकॉर्ड्स, ओके। एक्सप्लेन द आउटपुट विद जस्टिफिकेशन, आपको बताना है कि ऐसा क्यों आया है रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो, दिस इज बिकॉज द कॉलम कमीशन कंटेन्स नल वैल्यू। अब देखो मैं बताती हूँ, फर्स्ट काउंट स्टार है, काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है, इट काउंट्स ऑल द रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट एंड नल रोज। काउंट स्टार फंक्शन सारी रोज को काउंट करता है, चाहे वो डुप्लीकेट रोज हो, चाहे उन रोज के अंदर वैल्यूज नल हो, ओके, इट विल काउंट ऑल द रोज, राइट। तो काउंट स्टार ने क्या किया, सारी रोज को काउंट किया, तो 4 आ गया आपके पास, ओके। यहाँ पे 3 था, नॉट 2, ओके। देन अब यहाँ पे क्या, दिस इज बिकॉज द कॉलम कमीशन कंटेन्स अ नल वैल्यू, कमीशन कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू है, ओके। एंड द एग्रीगेट फंक्शन डू नॉट टेक इन टू अकाउंट नल वैल्यूज, यहाँ पे क्या है, काउंट फंक्शन का यूज किया, काउंट फंक्शन नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता। काउंट स्टार सारी रोज को, सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, चाहे वो नल वैल्यूज कंटेन करते हो, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन करते हो, लेकिन काउंट फंक्शन क्या करता है, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता। तो कमीशन कॉलम के अंदर एक वैल्यू नल है, तो उसने उसको काउंट नहीं किया है, राइट। Thus, command 1 returns the total number of records in the table, whereas command 2 returns the total number of non-null values in the column commission. तो first command ने क्या किया, जितनी भी number of rows है, चाहे वो null values उनके अंदर है, चाहे duplicate है, उनको count करके show कर दिया है, ओके। काउंट फंक्शन ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर कॉलम हमने उसको दिया और उस कॉलम के अंदर एक null value थी, तो उसने उस null value को count नहीं किया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड। आपके पास एक एसक्यूएल स्ट्रिंग है प्री ऑक्यूपाइड, ओके। राइट कमांड्स टू डिस्प्ले, आपको कमांड बतानी है कि ये डिस्प्ले कराना है, इस स्ट्रिंग में से आपको ये निकाल के डिस्प्ले कराना है, ओके। तो फर्स्ट आपने क्या दिया है, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, ओके। आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, राइट। इसमें फर्स्ट पैरामीटर आप पास करोगे स्ट्रिंग जो आपको दी गई है, ओके। एंड देन आप नेक्स्ट पैरामीटर आप क्या पास करोगे, नेक्स्ट पैरामीटर आप पास करोगे स्टार्ट पोजीशन। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी आप स्टार्ट पोजीशन दोगे वहां से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा देगा, ओके। स्टार्टिंग पोजीशन से एक सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करके वो एक्सटेंड करके डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से आप ऑक्यूपाइड देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, पी आर ई क्या है, 1 2 3, ओ से यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ऑक्यूपाइड, राइट।
सब स्ट्रिंग सब एस टी आर एंड सब स्ट्रिंग दीज फंक्शन आर सेम एंड मिड फंक्शन भी सेम ही वर्क करता है. आप इसके अंदर जो भी सब स्ट्रिंग पास करोगे ओके और स्टार्टिंग वैल्यू आप पास करोगे तो वो क्या करेगा उस स्टार्टिंग वैल्यू से स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके शो कर देगा. राइट देन सिलेक्ट राइट. राइट क्या करेगा राइट में से जितने भी करेक्टर्स आप स्पेसिफाइड करोगे उतने करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा. तो राइट में से हमने 8 करेक्टर्स कहा है तो यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ इसने 8 करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा दिया. ओके तो यहाँ पे देखो ऑक्यूपाइड स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हो. सब एस टी आर और सब स्ट्रिंग दीज आर सेम मिड एंड राइट. ओके नेक्स्ट आपका क्या है आपको कब सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है. राइट तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट सब स्ट्रिंग लिया राइट सेम फंक्शन. ओके उसमें आपने अपनी मेन स्ट्रिंग को पास कर दिया राइट स्टार्टिंग आपने बता दी 6 करेक्टर से करनी है और कितने करेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं 3 राइट 6 करेक्टर से आपको इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया है. एक तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन बताई उस फर्स्ट वाले केस में क्या था हमने सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन बताई थी. स्टार्टिंग पोजीशन के बाद उसने कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस किया था. अब हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन के बाद कितने करेक्टर्स को एक्सेस करना है. राइट प्री ऑक्यूपाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है. तो 6 पोजीशन क्या है सी पे आ गया यहाँ पे दिस इज योर 6 पोजीशन सी. उसके बाद कितने आपको एक्सट्रैक्ट करने 3 तो सी यू पिक अप आपका ये हो गया एक्सट्रैक्ट. इन द सेम वे यहाँ पे सेकंड में सब स्ट्रिंग सेम वर्क करेगा ठीक है. 6 पोजीशन से 3 करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा ठीक है. तो यहाँ पे आपका फिर से आ जाएगा सी यू पी कप राइट. ऐसे ही सेम मिड फंक्शन वर्क करता है. आप इसके अंदर स्ट्रिंग पास करोगे और बताओगे किस करेक्ट कौन सा स्टार्टिंग करेक्टर है कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कितने करेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं सेम राइट. तो 6 करेक्टर से स्टार्ट करेगा और 3 करेक्टर्स ये एक्सट्रैक्ट करेगा राइट. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द सेम स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड. जो अभी हमने अभी स्ट्रिंग ली थी प्री ऑक्यूपाइड वही हम दोबारा से ले रहे हैं राइट. एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले आपको कमांड्स बताने द पोजिशन ऑफ द सब स्ट्रिंग कप. अब देखो पोजीशन बतानी है. पोजीशन बताने के लिए हम इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे. अभी हमने पहले भी किया था ओके इन द स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड. तो आप इन स्ट्रिंग फंक्शन में आप जो मेन स्ट्रिंग है उसको पास करोगे और जो सब स्ट्रिंग जिसकी पोजीशन बतानी है उसको पास करोगे. तो इन स्ट्रिंग फंक्शन सब स्ट्रिंग की पोजीशन डिस्प्ले करा देगा राइट. नाउ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग के फर्स्ट 4 लेटर्स को डिस्प्ले कराना है. तो फर्स्ट 4 लेटर्स के लिए आप लेफ्ट फंक्शन का यूज करोगे. ये क्या करेगा स्टार्टिंग के 4 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा देगा. फाइन नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द गिवन एसक्यूएल क्वेरीज. आपको एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे दी गई है टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग सीबीएसई बोर्ड एसक्यूपी 2023. ये आपके पास स्ट्रिंग है विच एसक्यूएल फंक्शन शुड यू यूज. अब आपको लेंथ निकालने के लिए कौन से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे. तो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे ओके. लेंथ फंक्शन क्या करता है इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन बाइट्स राइट. ये बाइट्स में स्ट्रिंग की लेंथ को डिस्प्ले करा देगा ओके. सेकेंड क्या है टू फाइंड आउट एट द रेट सिंबल इन टू फाइंड आउट इफ एट द रेट सिंबल इज प्रेजेंट इन द वैल्यूज ऑफ ई मेल आई डी कॉलम और नोट ओके. तो आपको बताना है कि जो एट द रेट सिंबल है राइट वो ई मेल आई डी कॉलम में प्रेजेंट है या नहीं है. विच फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज. तो यहाँ पे आप क्या बताना चाहते हो एक सब स्ट्रिंग को बताना चाहते हो पोजिशन. एक मेन स्ट्रिंग के अंदर आप सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो एट द रेट. तो यहाँ पे हम कौन सा करेंगे फाइंड स्ट्रिंग. यहाँ पे आप इन स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करोगे राइट. इन स्ट्रिंग फंक्शन एट द रेट की पोजिशन बता देगा कि वो उसके अंदर है. फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्लैरिफाई द रूल ऑफ द हैविंग क्लॉज हाईलाइटिंग इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल. आपको हैविंग क्लॉज का फंक्शन बताना है और ये भी बताना है कि वो वेयर क्लॉज से कैसे अलग है. फाइन कैसे डिफरेंट है.
तो हैवी क्लॉज क्या करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, सबसे पहले आप देखो ग्रुप बाय क्या करता है, मल्टीपल रोज की ग्रुपिंग करता है, और अगर आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है, और हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप मल्टीपल रोज के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो. ओके, ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हो. और वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज की हेल्प से आप इंडिविजुअल रो के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो. फाइन, ओके, वेल हैविंग क्लॉज इज अप्लाइड टू ग्रुप रिजल्ट. हैविंग क्लॉज को आप ग्रुप रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करते हो. आफ्टर द ग्रुप बाय ऑपरेशन इट फिल्टर्स ग्रुप बेस्ड ऑन द एग्रीगेट वैल्यू सच एज सम, काउंट, एवरेज एसेट्रा. राइट, ओके, नाउ प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज. आपको क्वेरीज का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट पावर 5 and 3. तो यहाँ पे क्या होगा, पावर फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ अनदर नंबर. तो यहाँ पे 5, आप 5 को क्या करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 रेज्ड टू द पावर 3 आ जाएगा. ठीक है, 5 रेज्ड टू द पावर 3, डेट मीन्स 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स. आप 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 125 आ गया. राइट, सेकेंड आपका फंक्शन क्या है, सिलेक्ट मोड. ओके, 5 and 3. तो मोड फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर. तो यहाँ पे आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, रिमाइंडर डिस्प्ले होगा, क्योंकि मोड फंक्शन क्या डिस्प्ले कराता है, रिमाइंडर डिस्प्ले कराता है आफ्टर वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प रेशमा इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज. आपको बताना है रेशमा, मतलब रेशमा की हेल्प करनी है इन क्वेरीज का आउटपुट बताने के लिए. ओके, तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट राउंड. यहाँ पे राउंड ऑफ करना है 8.72. अब देखो जो प्लेस वैल्यू दी गई है वो 3 है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, तो क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है वो एज अ 0 ऐड हो जाएगी. तो यहाँ पे आपका देखो रिजल्ट आ गया 8.720. राइट, सेकंड क्या है, सिलेक्ट राउंड 98. अब देखो यहाँ पे कोई इस जो सेकंड कमांड है इसमें कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी गई है. जब प्लेस वैल्यू नहीं दी जाती तो राउंड ऑफ फंक्शन क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. फाइन, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 10. इसकी नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू होगी, अबव इंटीजर वैल्यू, वो 10 होगी. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन आर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ अ टपल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज. आर एन ने क्या किया है, ग्रुपिंग की है रिकॉर्ड्स की विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज. ही नीड्स टू फर्दर फिल्टर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेटेड थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज. अब वो फर्दर फिल्ट्रेशन करना चाहता है. ओके, सजेस्ट टेबल क्लॉज फॉर इट एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन इट्स यूजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आप देखो जो अगर फर्दर फिल्ट्रेशन करनी है तो आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे. कंडीशन आप किसकी हेल्प से लगाओगे, आप हैविंग क्लॉज की हेल्प से लगाओगे. राइट, तो हैविंग क्लॉज इज यूज टू फर्दर फिल्टर दोज ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स विच विल बी जनरेटेड थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज से ग्रुपिंग हो गई, और उन ग्रुप्स के अंदर भी फिल्ट्रेशन करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे. एग्जाम्पल देख लो, सिलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट. आपने स्टूडेंट टेबल के अंदर मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. ग्रुप बाय क्लासेस, आपने क्लासेस वाइज ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. ओके, जैसे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, हैवी क्लासेस इन 10th 12th. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपने क्लासेस की ग्रुपिंग कर दी. मान लो 3 क्लासेस हैं, 10th 11th 12th, लेकिन आप कौन सी क्लास ले रहे हो, यहाँ पे और फिल्टर कर दिया आपने, 10th और 12th ही ले रहे हो. और 10th एंड 12th में आप क्या कर रहे हो, क्लासेस में आप स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हो कि 10th में कौन से स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, 12th में कौन से स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. ओके, क्लास के अंदर. नाउ अबव गिवन क्वेरी विल अरेंज रिकॉर्ड्स इन ग्रुप. सब ये जो क्वेरी है वो क्या करेगी, ग्रुप में डिवाइड कर देगी अकॉर्डिंग टू द क्लासेस. ओके, फर्दर फिल्टरिंग ऑन दिस ग्रुप विल हैपन थ्रू हैविंग क्लॉज. और फर्दर फिल्टरिंग कैसे होगी, जब आप हैविंग करोगे, हैविंग क्लॉज में आप कंडीशन लगा दोगे कि क्लासेस में सिर्फ 2 ही क्लास इंक्लूड होंगी, 10 and 12, विच विल फाइनली डिस्प्ले द हाइएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास. और ये क्या करेंगे, फाइनली डिस्प्ले कर देंगे हाइएस्ट मार्क्स, 10 क्लास में से हाइएस्ट मार्क्स कितने हैं और 12 क्लास में से हाइएस्ट मार्क्स कितने हैं. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सोम अ एचआर मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी स्टार एक्स वर्ल्ड हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय. राइट, तो यहाँ पे मिस्टर सोम ने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किए हैं जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है.
राइट, ही हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज। अब उन्होंने कुछ क्वेरीज लिखी है। सिलेक्ट मैक्स, मैक्स फंक्शन में उन्होंने पास किया ईयर, डीओबी डेट ऑफ बर्थ कॉलम में से क्या किया है, सबसे पहले डेट ऑफ ईयर, ईयर फंक्शन के अंदर आपने डीओबी को पास किया, ठीक है। तो ईयर से क्या होगा, ईयर निकल के आ जाएगा, डीओबी कॉलम में से ईयर निकल के आ जाएगा, राइट ओके। अब आपने क्या किया, इसके आगे आपने मैक्स फंक्शन लगाया, आपने इसको मैक्स फंक्शन से एनक्लोज किया है, तो जो भी सबसे बड़ा ईयर होगा वो एज अ वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा ईयर कौन सा है, देखो ईयर, ईयर फंक्शन के अंदर जब आपने डीओबी पास किया तो ईयर आ गया, ईयर डिस्प्ले हो जाएगा, ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन आपने फर्दर फिल्ट्रेशन क्या की है, आपने इसको फिर से एनक्लोज कर दिया मैक्स फंक्शन में, तो जो जितने भी ईयर्स एक्सट्रैक्ट हुए उनमें से जो सबसे बड़ा ईयर है वो एज अ वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो सबसे बड़ा ईयर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2001, तो आपका आंसर आ जाएगा 2001। नेक्स्ट क्या है आपका, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू 11। आपको क्या बताना, ई नेम, ई नेम एक्सट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम ई एम पी टेबल से, वेयर मंथ, अब मंथ फंक्शन के अंदर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग पास किया तो मंथ निकल के आएगा, राइट। और आपने मंथ क्या दिया है, मंथ कौन सा ई नेम डिस्प्ले हो जाए जहाँ पे मंथ क्या है, 11 है, तो मंथ यहाँ पे 11 है, तो इसका ई नेम क्या है, मेलिंडा, राइट। तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा मेलिंडा हेयर, ओके। नाउ वी हैव सेम क्वेश्चन हेयर, लेकिन उसमें क्या क्वेरीज डिफरेंट है, आपके पास अगेन क्या है, सोम है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर है, उन्होंने टेबल क्रिएट की है एम्प्लॉयज की, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेस्ड ऑन द अबव, बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो, नॉट बिलो, इट इज अबव, हेल्प मिस्टर सोम राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब आपको पहले आपने आउटपुट बताया, अब आप क्वेरीज बताओगे, ठीक है, उसके कमांड्स लिखोगे। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एल्डेस्ट एम्प्लॉय, आपको एल्डेस्ट एम्प्लॉय का नेम लिखना है एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है, राइट। नेम भी आना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ भी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ई नेम, ई नेम कॉलम, ओके, राइट। और मिन, देखो एल्डेस्ट जो अगर होगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, छोटा होगा, राइट। उसका डेट ऑफ बर्थ 98, 99 ऐसे होगा, 2001, 2002 तो नहीं होगा। तो यहाँ मिन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, ईयर को पास किया है एंड डीओबी। ईयर से क्या होगा, ईयर फंक्शन में आपने डेट ऑफ बर्थ को पास किया तो वहां से ईयर निकल आएगा, फिर हमने उसको एनक्लोज कर दिया मेन फंक्शन से, तो जो सबसे छोटा ईयर होगा वो निकल के आ जाएगा। मतलब सबसे छोटा ईयर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट होगा यहाँ पे, फाइन। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि कौन सा एम्प्लॉई ओल्डेस्ट है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी निकल के आ जाएगा, फाइन, क्योंकि ये आपने कॉलम दिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज ज्वाइनिंग मंथ इज मे, आपको उन एम्प्लॉयज के नेम बताने हैं जिनका ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग मंथ क्या है, मे है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ई नेम, नेम देने उनके फ्रॉम ई एम पी टेबल से जहाँ पे मंथ, मंथ के अंदर आप पास कर दोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और कंडीशन क्या लगाओगे, वेयर, मतलब मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू 5, राइट। तो इस कमांड से क्या होगा, वो एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मंथ क्या है, 5 है, ओके ओके। एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।